स्पीकिंग कोर्स का आज थर्ड डे है, ठीक है। तो तीसरा दिन स्पीकिंग कोर्स का, तीसरे दिन में कौन कौन से स्पीकिंग के लाइंस में आप लोग को सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से देखें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि गुड मॉर्निंग, जैसे सुबह का समय होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग इज क्या होता है, सुबह की नमस्ते होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस। जब हम क्लास में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब हम आपके अटेंडेंस लेते हैं। तो नाउ विल योर अटेंडेंस, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आपके अब मैं आपकी हाजिरी लेती हूँ, ठीक है। प्लीज कीप क्वाइट। यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ आर यू, आप कैसे हो भाई। जैसे क्लासरूम में हम जाते हैं, काफ़ी बातें हो रही हैं, मैं कह रही हूँ थोड़े साथ रह लो। तो जैसे क्लासरूम में मैं जाती हूँ या कोई भी टीचर आता है तो कहता है हाउ आर यू चिल्ड्रेन, हाउ आर यू स्टूडेंट, आप हाउ आर यू, तो आप कैसे हो, ठीक है। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो। नेक्स्ट है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, प्लीज सिट डाउन एवरीवन। जैसे मैं क्लासरूम में जाती हूँ तो सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, तो मैं क्या कहूँगी, प्लीज सिट डाउन एवरीवन। जैसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए सारे बच्चे बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो प्लीज सिट डाउन एवरीवन मींस कृपया सभी लोग बैठ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आई थिंक स्टार्ट नाउ। तो मैं क्या कहूँगी, जब क्लासरूम में अंदर आती हूँ तो मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, नाउ स्टार्ट, अब मुझे वर्क स्टार्ट करना चाहिए। इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, आई शुड स्टार्ट द वर्क, मुझे कार्य शुरू करना चाहिए, यू नो, समझ गए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है, डू यू अंडरस्टैंड। फिर एक जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे। और अपना सामान लो, पैकअप नहीं होता है, पैक करना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 30 नंबर, कम टू मी, किसी स्टूडेंट को मुझे अपने पास बुलाना है या किसी टीचर को बुलाना है या मदर फादर को बुलाना है तो हम क्या कहेंगे, मेरे पास आओ। तो उसकी क्या इंग्लिश बनेगी, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर पे, एंड टेल मी टुडे लेसन, एंड एंड मींस क्या होता है, और टुडे लेसन, टेल मी पहले मैंने बता दिया था, टेल मींस बताना होता है, टेल मी टुडे लेसन, अपनी लेसन के बारे में मुझे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका 40 नंबर, एंड टेल मी टुडे लेसन, और आज का पाठ सुनाओ। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका 50 नंबर है, नाउ यू कैन गो। जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, नाउ अब यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आज के 3, जैसे आपसे कहना है कि 15 नंबर पेज या 10 नंबर पेज या 4 नंबर पेज ओपन करो तो क्या कहेंगे, ओपन योर नोटबुक, यहाँ पर ओपन योर बुक एट पेज 15, एट लगाकर बोलेंगे पेज 15, इस तरीके से कहेंगे अपनी पेज को 15 नंबर पे खोलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो 11 नंबर, रिपीट आफ्टर मी। जैसे मैं बच्चों से टेबल्स वगैरह रिपीट करती हूँ, स्पेलिंग्स वगैरह रिपीट करती हूँ तो क्या कहूँगी, रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ, ठीक है। रिपीट, रिपीट इस दोहराना होता है, मी मीन्स मेरे, आफ्टर मीन्स बाद में, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करो, रिपीट आफ्टर मी। 12 नंबर, क्लोज योर बुक एंड पिक अप योर थिंग। जैसे ही आप लोग अपना काम कर लेते हैं होमवर्क तो हम क्या करेंगे, क्लोज योर बुक, अपनी किताब बंद करो, एंड पैक अप योर थिंग, अपना सामान पैक करो, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक 7 नंबर है, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क टुडे। तो जैसे कि है किसी को कार्य पूरा करना है नहीं करना है तो उससे हम क्या कहेंगे, डू यू होमवर्क कंप्लीट योर टुडे, क्या तुमने अपना आज का कार्य पूरा किया, तो यही कहेंगे क्या, डू यू कंप्लीट योर वर्क टुडे, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखते हैं कि इस तरीके से बोलेंगे, क्या आपने अपना कार्य पूरा किया, ठीक है, इसे चुप करो। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज सब ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नोट करना इसको, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आज का है 9 नंबर, राइट दिस डाउन योर नोटबुक। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ लिख देती हूँ, ब्राउन बोर्ड पर लिख देती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, अपनी कॉपी में नोट करो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहेंगे राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक, इस चीज़ को
कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की स्पीकिंग की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स थी जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब नॉर्मली बातें करते हैं। तो आज के टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, इनको आप तैयार करें और कल के लिए फिर तैयार रहें और नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।